बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हवातीनो हजरात, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब जमाना सारा देखेगा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। फिशारे कब्र को ऐसा निडाल कर दूंगा, फिशारे कब्र को ऐसा निडाल कर दूंगा। मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। वाह, अली के नाम ने जुर्रत वो दी है कि जेरे लहद मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा। अरे वाह वाह, ये हैं जनाब रईस अमर हुई और एक जाना पहचाना नाम। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर शायर अदीब उनको जानता है और वो जानता है जो हमें किताबों में मिलता है या उन लोगों ने जो उनके साथ रहे हैं, उनके साथ महफिलें की हैं, वो सभी लोग उनको जानते हैं। और एक आला तालीम याफ्ता खानदान से और खानदान में सबसे बड़ा बेटा होने का एहसास उनको था शायद। तो हमारी सोच और हमारी जो फिक्र है वो एक मुख्तलिफ अंदाज से पेश की जाएगी। और ये मेरे लिए एहसास है कि मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब मौजूद होते हैं और हम इकट्ठे होते हैं। आज से नहीं है, पिछले तकरीबन 33-34 सालों में हम इकट्ठे हैं। तो इनकी तबीयत में भी उनके असरात मौजूद थे और हैं भी, धीमापन और सब्र उस हद तक करना कि जब तक कोई गला ना पकड़ ले नहीं बोलना है, और जब बोलना है तो फिर कोई और नहीं बोलेगा। तो इन्होंने डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब ने उनके साथ एक काफी लंबा अरसा गुजारा है उनके घर में, उनकी बैठक में, और उनके शागिर्द की हैसियत से, उनके दोस्त की हैसियत से, या को भी हैसियत से। तो हम सारी बातें इनसे सुनेंगे कि इन्होंने जिस तरीके से अपने उस्ताद रईस अमर हुई साहब को देखा है और महसूस किया है कि वो कैसे इंसान थे, शायर थे, अदीब थे, उस्ताद थे, तो वो कैसे इंसान थे। तो जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है साबिर रजा, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। साबिर रजा, बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने जी जी, और यानी जितने भी प्रोग्राम किए, और चाहे वो स्टेज के ऊपर किए या ये यूट्यूब के लिए किए, हमेशा कुछ थोड़े बहुत नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं। जी जी जी, कागज पे कुछ याददाश्त, कोई पॉइंट लिखना पड़ता है। सारी चीजें तो एकदम जबानी याद नहीं रह जाती। जी 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 जी, कुछ चीजें छोटी मोटी भी कर दी। आज पहला दिन है वाहिद कि ना कोई नोट्स है, ना कोई किताब है, ना कोई कॉपी है, ना कोई पेन है। उसकी वजह है डॉक्टर साहब, उसकी वजह है आपकी जिंदगी। आपने उनके साथ से एक अच्छा गुजारा है जी। आप 19 साल के थे या 20 साल के होंगे, 18-19-20 में, और हाँ। वहां से लेकर जब तक कि आप बरतानिया मूव नहीं हुए हैं, हाँ, एक तवील अरसा है भाई, काफी लंबा अरसा। हाँ, काफी लंबा अरसा। हाँ, तकरीबन मैंने इंटर का एग्जाम पास किया था डीजे साइंस कॉलेज से। जी जी, और कुछ नंबर कम आए, फर्स्ट डिवीजन तो थी मगर लोग ज्यादा थे, तो डॉ मेडिकल कॉलेज में दाखले पूरे हो गए, सिंध मेडिकल में हो गए पूरे, तो फिर चांड का मेडिकल, भुट्टो का जमाना था, अब्दुल वहीद कटपड़ जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, हाँ। उन्होंने लाड़काना में एक नया कॉलेज बना दिया जी, चांड का मेडिकल कॉलेज, और कराची के वो तमाम 100-150 बंदे वहां डाल दिए। इसके बाद उसके बनने में और हमारे इंटर के बाद बीच में 2-3 साल का वक्फा भी आता था। जी जी, तो उस वक्फे में हमने सोचा चलो कनाडा की सैर कर लें। जी जी, कनाडा की सैर की तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के कुछ ऐसी चीजों से
यानी वास्ता पड़ा, जो कल्ट जिसे कहते हैं, यानी जी जैसे जो महर्षि महेश योगी और इन सब इस किस्म की जो चीजें होती है। तो बहरहाल था शौक शुरू से ही, जो माफूकुल फितरत या मा बादुन नफ्सियात जिसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, उन चीजों में शौक बचपन से ही रहा। पता नहीं क्यों रहा, बस वजह थी। बहरहाल अब जब 1900, ये गालिबन 77 की बात है, उस वक्त हमारा घर जो था वो गार्डन ईस्ट कराची में एक जगह है जहां खोजा जमात खाना है, वहां पे था। और मानक जी स्ट्रीट की जो कोना था उसके ऊपर हमारा घर था, और उसके आखिरी कोने के ऊपर 129 नंबर जो था वो नरजिस नाम की कोठी थी, जहां रोड खत्म हो जाती थी तकरीबन, और वो थी रईस अमरोही की। बाहर लिखा हुआ था रईस अकेडमी 129A, यानी एक हिस्सा उन्होंने उसका अकेडमी के लिए वक्फ किया हुआ था, जिसमें एक लंबा सा कमरा था और उस कमरे से ही एक दरवाजा उनके अपने घर में भी खुल जाता था। तो मैं वहां गया, मैंने कहा पहली दफा, और जाके मैंने उनसे कहा कि बाबा बात यह है कि मुझे कुछ इन चीजों का शौक है और मैं इस बारे में कुछ आपसे सीखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या आता है, पूछा उन्होंने कुछ। तो बातचीत जो मेरी थी उनसे वो शायरी पे नहीं हुई, और हुई मेरी बातचीत जादू, तावीज, जिन्नात, भूत, चुड़ैल, इन चीजों पे बातें हुई। अच्छा, उन्होंने कहा कि कुछ तुमने जो काम किया है वो बताओ, इस पे जो रिसर्च की है। मैंने कहा मैंने ये रिसर्च की है, कनाडा में भी कुछ की है, कुछ अरसा अमेरिका में भी था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने कॉलम में लिखता हूँ और देखते हैं कि लोग उसमें कितनी दिलचस्पी लेते हैं। तो जी जंग में कॉलम लिखा करते थे, जी उनका हाँ कॉलम आता था जंग में, और कथा आता था रोजाना कथा एक। आता था अब वो कॉलम जो होता था वो ऊपर सफे के ऊपर ही होता था, और उसमें साइड में इनकी एक तस्वीर लगी होती थी। हाँ छोटी सी हाँ तो उन्होंने उस कॉलम में मेरा जिक्र कर दिया, तो तीन चार खत आ गए वहां पे। उनका सिस्टम ये था कि एकेडमी में जब आप दाखिल होते थे तो वो पूरा एक लंबी राहदारी जैसे कहते हैं, लंबा कमरा था, यानी मुस्ततील कमरा था वो। जी इसमें एक तरफ बड़ी टेबल थी जिसमें बाहर से लोग आए तो बैठेंगे, और कोने वाले हिस्से में वो बैठते थे कुर्सी पे, उनके आगे एक टेबल होती थी छोटी सी, और उनके उल्टे हाथ पे अलमारी होती थी जिसमें उनका सामान, किताबें वगैरह होती थी। जी तो और उसी के साथ जो दूसरा साइड में कमरा था उसमें उनके एक असिस्टेंट बैठते थे जिनका नाम था मजहर साहब। अच्छा मजहर साहब के जिम्मे ये काम था कि सारी जो डाक आएगी वो लेके रईस अमरोही तक पहुंचाएंगे। और रईस अमरोही मुझे कहा करते थे कि तुम मुझे रईस भाई ना कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम मुझे बाबा कहा करो। तो मैंने सारी जिंदगी उन्हें बाबा ही कहा। अच्छा, वो मजहर साहब जो है वो डाक का काम करते थे, लाते थे, और मजहर साहब के जिम्मे था कि उनकी सारी किताबें वो शाया कराएंगे, प्रिंटर में छपवाएंगे, और फिर लोगों को खत में मनी ऑर्डर आता था कि भाई दीवान भेज दें या कतात की किताब भेज दें। उनके सारे कतात किताब की सूरत में है, चार किताबें, और उन्होंने कोई 18-19 किताबें माँ बादुन नफ्सियात और नफ्सियात पे भी लिखी थी। उन किताबों की बहुत डिमांड थी, जिसमें जिन्सियात, नफ्स, और इसके बाद जिन्नात, रूह, ये सारी उनवानात थे किताबों के। किताबचे थे छोटे छोटे, 50-60 सफे के, 100 सफे के। तो मजहर साहब की ये ड्यूटी होती थी कि बस उन्होंने शाया कराना है, और उसके बाद रईस अमरोही जो थे यानी बाबा, उनको पैसे से कोई मतलब ही नहीं था। मैंने देखा ही नहीं कभी उनको पैसे की कोई बात करते हुए। अच्छा, अब उन्होंने मेरा शाया कर दिया कालम, फिर एक महीने बाद एक और डाल दिया मेरे नाम से, फिर एक, तो 3-4 महीने बाद तो फिर वो लोगों के खतूत बहुत आने शुरू हो गए, और कुछ लोग पहले से भी वहां आते रहे होंगे कि किसी के ऊपर असर हो गया है, जी बाबा मेरे ऊपर असर है, मुझ पर ये है, तो वो उसे कोई दुआ वगैरह दे देते थे, कोई पढ़ने के लिए कुछ दे देते थे, वो कहते थे भाई दुआ करेंगे इंशाल्लाह ठीक होगा। पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं था उसमें, और पैसे का तो यूं था कि लोग आकर मोहब्बत में, किसी ने अगर 50 रुपए या 100 रुपए रख दिए तो वो एक दराज में जमा होते रहते थे सुबह से शाम तक,
और उसी दराज में से कई ऐसे आते थे साबिर रजा, आज खाना नहीं पका है घर में बाबा, बच्चे की पढ़ाई ट्यूशन की फीस नहीं दी, उसी दराज में से निकलते भी जाते थे रोज और शाम को दराज खाली। ये था वो रही समारोह, यानी आप कोई दे रहा है तो वो जा भी रहा है साथ। हाँ। अच्छा, कभी कभी कोई अच्छा मुर्गा ले आता था अच्छा जिंदा, तो अब मेरा काम होता था मुर्गा लेके अंदर पहुंचा दूं मैं कमरे में, तो फिर वहां उसको काटते थे हम, हलाल करके खा भी लेते थे। जी तो फिर वो पान और चाय के लिए मैंने अंदर जाना है, मैं वाहिद आदमी था जिसे अंदर जाने की इजाजत थी। बाबा की 5 बेटियां हैं, दुर्दाना और रेहाना, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात थी, लेकिन जो शाहाना थी, शाहाना रईस जो शायरा भी हैं, शाहाना एलिया उनकी बेटी थी, उनके साथ मेरी तकरीबन रोज की मुलाकात थी। बहुत ही अच्छी खातून है, बहुत अच्छी शायर है, अभी हाल ही में उन्होंने किताब भी शाया की है अपने चचा जॉन के हवाले से, कि चचा जॉन, बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो उनके साथ बातचीत, फिर पान की गुलोरी लेके बाहर आना, हुक्का भरना, इस तरह के मामला होते थे मेरे। शायरी वायरी का मुझे इतना कुछ भी नहीं पता था उस वक्त, और ना मैं शेर कह सकता था। हाँ, कभी रेडियो पाकिस्तान मुशायरे में उनके साथ चला गया, एक बार नुमाइश में मुशायरा हुआ था जिसमें इकबाल अजीम भी थे, जो नाबीना शायर, सलीम कौसर, फिर आपके एजाज रहमानी, और उसकी निजामत की थी उसने फिल्म स्टार आजाद ने, अच्छा जो गालिबन कायदे आजम का ड्राइवर थे, जी उन्होंने वो निजामत किया करते थे मुशायरे की। तो उनको लेके वहां जाना, कभी टैक्सी में, कभी किसी गाड़ी में, कभी रिक्शे में। अब उनके एक बहुत ही खास दोस्त भी थे बाबा के, प्रोफेसर बजम अंसारी, ओरिएंटल कॉलेज उनका था कराची में, जी हाँ और यानी काफी अच्छे और बड़े ही मुखलिस और बड़े प्यार मोहब्बत वाले इंसान थे, जी शायर भी थे, बड़े अच्छे शेर कहते थे। उनका शेर है, उनका कथा है, जमाना शौक से दस्ते सितम दराज करे, वाह हमारे इश्क की तासीर रंग लाएगी, वाह ये दो दिलों की मोहब्बत है, कोई भी दीवार जो हाँ इनके बीच में आएगी टूट जाएगी। वाह बहुत अच्छे तो ये थे बजम अंसारी। अच्छा, अब वहां पर फिर ये हुआ सिलसिला, जब ज्यादा बढ़ गया तो बाबा ने कहा कि रूहानी रिसाला निकाला जाए और तुम उसको मुरतब करो और लोगों से मिलो, उनसे पूछो। तो मैंने कहा कि बाबा, ये मिलना मिलाना भी ठीक है, लेकिन ये इस तरह के मसाइल लेके आते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा, बाबा ने, उन्होंने कहा कि मुझे तेरे चारों तरफ कुछ नजर आता है। मैंने कहा, क्या नजर आता है? बोलता है, बस होशियार रहा कर, तेरे चारों तरफ कुछ नजर आता है। अच्छा, फिर साबिर रजा, अजीब एक इत्तेफाक हुआ। होता ये था कि अब बाबा के पास जैसे एक खातून, उसके साथ एक मर्द है, एक बच्चा है, वो आए और कहा कि जी हमारा मसला है, कुछ बंदिश है या ये है वो है। हालांकि साइंस की दुनिया में अब मैं इन चीजों को शायद ना भी मानूं, जी लेकिन जिस दौर से मैं गुजरा हूं वो तो मैं, मेरा मेरी आंखों के सामने है ना। भाई, एक आदमी कहता है कि साइंस का जमाना है, मैं जिन्नात को नहीं मानता, ठीक है, लेकिन भाई जिसने देखा है उसने, उसको क्या कहेंगे आप, जो उसने तो आंखों से देखा है ना। जी चलो उसका वहम था, लेकिन उसके लिए तो उसने देखा है, आपके लिए वो वहम है लेकिन उसके लिए हकीकत है। तो बात यह है कि वो आए लोग, तो अब बाबा का काम था कि वो जो लंबा सा कमरा था उसमें आगे उन्होंने कुर्सियां टेबल रखी थी, उन्होंने कहा जाओ ये बच्चे के साथ बात करो, यानी मेरे साथ। अच्छा जी, मेरा काम है बैठना। अब उन्होंने मुझे क्या कहा कि जब ये तेरे से बात करें तो तू कागज और ये पेन लेके वहां बैठ और उनको सुन, देख मत, सिर्फ सुन, आंखें आधी बंद रख, और फिर कलम से, तेरे ये पेन से जो जो भी लिखता जाए ना फ्री राइटिंग में, नाम या कुछ भी हुरूफ या जुमला, वो लिख। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा जी। अब वो बात कर रही थी तो मेरे ऐसे ही बैठा था, तो साबिर रजा, मैंने बाद में जरा देखा तो वहां मैंने लिख दिया था शहनाज। अच्छा अच्छा, तो जब उन्होंने बात की तो वो बाबा आए उठ के, उन्होंने कहा पूछो कौन है ये। मैंने पूछा जी ये शहनाज कौन है, तो वो दोनों चौंक गए, बोले कि हमें इसी की वजह से तो परेशानी है, देवरानी है या जेठानी, पता नहीं, अब तो याद नहीं, 40 साल हो गए साबिर रजा। यानी इस तरह के वाकयात होने लगे मेरे साथ। अच्छा, ख्वाब में आने लगा,
अजीब अजीब किस्म, तो वो जो कैफियत होती थी फिर वो अपने कॉलम में लिखते थे, फिर खतूत आते थे। तो हमने इसका एक अलग डिपार्टमेंट वहां बना लिया और रूहानी रिसाला निकालने लगे, वहां से निकलता था जिसमें इन चीजों की होती थी, और लोग आते थे ले जाते थे, उसकी कोई कीमत नहीं होती थी। और मजहर साहब जो है कभी वो छपवा देते थे, कभी मैं जाके छपवा आता था खारा घर में जाके। इस दौरान में वहां पर एक जो वाकया हुआ, एके बरोही साहब, अल्लाह बख्श करीम बख्श बरोही, बहुत बड़े वकील थे। हाँ बहुत बड़े वकील थे, बैरिस्टर जो भी थे, उनका घर था नुमाइश के पास, कोठी थी बड़ी, बड़े अमीर कवि आदमी थे, इस्लामाबाद में उनकी कोठी थी अपनी अलग, जी हाँ, नहीं बहुत बड़े आदमी थे। बहुत बड़े आदमी थे। अच्छा, दुनिया उन्हें एक वकील की हैसियत से जानती थी। तो उनका फोन आया बाबा के पास। अब मुझे तो नहीं पता, मैं जानता भी नहीं था अल्लाह एके बरोही कौन। तो बाबा से कुछ बात हुई होगी, तो दूसरे दिन मुझे बाबा ने कहा कि ये एड्रेस है और इनको कल शाम को 4 बजे वहां जाना और उनसे मिलना, एके बरोही नाम है उनका, मेरे दोस्त हैं, तुमको याद किया है। जी मैंने कहा अच्छा। अब मैं गया वहां, बेल बजाई। अब मेरा जो ताल्लुक था उस वक्त यूं था, हम मुतवसत मिडिल क्लास लोग थे, जी और जाहिर है तो मैं गया तो अच्छा लगता था भाई कोठी में जाना। हालांकि मेरे जो अपने दोस्त थे बचपन के, वो कोठी वाले ही थे सब, जी यानी सेठ आबिद से जैसे जिनकी रिश्तेदारियां हो, और बम्बल कसूरी जो हो, तो उनसे मेरी तो दोस्तियां थी, तो मुझे तो वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मर्सिडीज गाड़ी मुझे लेने आती थी यार, जी कि चलो भाई घूमने जा रहे हैं, तो मेरे जी तो दोस्तों के साथ, और आज भी मेरी उनसे उनसे दोस्ती है, वो जी बचपन की 50 साल पुरानी, और आज भी वैसा ही ताल्लुक है। पंजाब के हैं जी वो दोनों, और एक कराची के हैं राजा। तो खैर, तो वो मैं गया उनके घर पे, तो वहां वो बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ किताबें ही किताबें, लाइब्रेरी। सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे पूछा क्या है रूहानियत, ये वो, जिन्नात, जादू, टूना, औलिया कराम, इनके ऊपर बात करते रहे। फिर उन्होंने मुझे एक रिसाला दिया, उस पर लिखा था शाह जो रिसालो, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का रिसाला। अब सिंधी उस जमाने में भुट्टो ने कंपलसरी की हुई थी स्कूलों में, तो हमने सिंधी भी जी पढ़ ली थी, और हाँ, फिर मेरी मादरी जबान मेमन है, सिंध गुजराती मेमन, तो में जी मेमन हाँ, जो वो है इस आसानी से मुझे सिंधी समझने में कोई मुश्किल नहीं नजदीक आती, हाँ, क्योंकि क्योंकि जूनागढ़ और वो साथ तकरीबन में बहुत मिलती जुलती जबान है। जी हाँ तो मैंने पढ़ा, तो कहा इसको पढ़। अच्छा जी, मैंने उसको पढ़ा, घर ले गया। फिर उन्होंने कहा अगले हफ्ते मिलेंगे, फिर मिले, फिर बातचीत हुई, औलिया कराम के हवाले से बातचीत करते रहे। फिर वो कहते रहे बस तू बोल मैं सुनूंगा। तो अब मेरी तो अजीब सी बात, मैं अजीब सी किस्म की बातें करता था, वो अजीब सा मैं कुछ उसमें पता नहीं फलसफा होता होगा या क्या होता होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो सुनते थे। फिर वो उन्होंने कहा कि अब ऐसा कर, अपने घर वालों से बात कर ले, एक हफ्ते के लिए मैं तुझे इस्लामाबाद ले जा रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा बाबा वो इस्लामाबाद की बात कर। बोले हाँ चले जा, कोई बात नहीं, इंजॉय कर, मजे नहीं मजे कर। तो फिर मैंने घर वालों से बात की, तो वो हवाई जहाज में, गुरोई साहब, अब हम चूंकि मेमन, अब मेरे माँ बाप अच्छे खासे थे, छोटी सी फैक्ट्री चल रही थी, मगर इस किस्म के काम के लिए पैसा नहीं था भाई, हम मेमन लोग हैं यार। तो उन्होंने कहा अगर वो दे रहे हैं तो तू जा भाई, हमको क्या है। तो खैर, अगर मैं मांगता भी तो वालिद साहब ने इनकार तो नहीं करना था, लेकिन ये जी अब ये शौक वाली बात थी। तो हवाई जहाज की टिकट बुक हुई, हम चले जी। और ऐसे ही जाने जाने में कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं नहीं ले सकता राजदारी के हवाले से, कि मुझे बाबा के तवस्सुत से बहुत ही अमीर तरीन घराने के लोग, जिनका ताल्लुक दुबई में रिश्तेदारी से था, वो फर्स्ट क्लास में बिठा के दुबई तक ले गए थे इन मामलों के लिए। अच्छा तो मगर मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उसमें कई बड़े नाम है जो मुनासिब नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। जी खैर, ये एके बरोई साहब के साथ तो वो कोई ऐसी राजदाराना बात नहीं थी, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो वो मुझे लेके गए इस्लामाबाद। पहले सबसे पहले गए हम इमाम बरी के मजार पे। इमाम बरी के मजार पे गए, वहां पे फातिहा पढ़ी। मैंने जो कहा उस जमाने में इतना तो था नहीं, मैंने पढ़ के, फिर वो अंदर ही बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि बाहर वो था, कुछ नहीं होते वो चाय समोसे पकोड़े जो होते हैं, कुछ ठेले। बोले उन्होंने कहा
जाके कुछ ले लो। अच्छा मैं पॉकेट मनी भी घर से लेके चला था कुछ, उस वक्त मेरे ख्याल 200 रुपए लेके चला था। ओके तो मैं बाहर निकला, मैंने कुछ खा रहा था तो एक बहुत ही बूढ़ा सा फकीर सा बंदा थैली लटकाए चला आ रहा था, मेरे पास आके रुका और कहने लगा कोई खिदमत करो। अरे भाई क्या खिदमत करो। अच्छा जी, तो मैंने जेब में हाथ डाला तो उस वक्त हमारी आदत होती ना कि वो 10-10 के और 5-5 के नोट है तो अंदर से ही यूं चुन के एक निकाल लेना है, पूरी गड्डी तो बाहर निकालते नहीं थे ना, तो चुन के एक 5 का नोट निकाल के उसको दे दिया। तो उसने बोला 200 में से सिर्फ 5 ही मेरा हिस्सा है। अच्छा अच्छा, और लेके चला गया। यार बुरोई साहब आए, तो मैंने उनको कहा तो बोले अभी तो इब्तिदा है। अच्छा, समझ में कुछ नहीं आया उस वक्त क्या बात हो रही है। फिर उनके घर गए इस्लामाबाद, 1 हफ्ता रुका मैं वहां। उनकी बेटी थी बहुत अच्छी माशाल्लाह, मुझे रोज शाम को उन्होंने ले जाना आइसक्रीम खिलाने इस्लामाबाद में। और फिर उसके बाद उन्होंने बात ये तय हुई कि टूटन खामून का जो वो है मजार सा, टूम सा इजिप्ट में, हाँ वहां जाओ और वहां बैठ के मुराकबा करो और फिर उसके बाद जो तासुरात है वो लिखो। अच्छा अच्छा, टिकट वही देंगे हमें क्या, हम तो लाउबाली किस्म के लोग। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी, जो मेरे साथी थे मेरे दोस्त जो हम क्लास थे बचपन से ही, जब हम इंटर में भी पहुंचे तो वो साथी थे मेरे मैट्रिक इंटर में। तो वो हमारा दोस्त जो था, एक बहुत ही अमीर तरीन पाकिस्तान की शख्सियत के बेटे थे वो, जी की कोठी के लिफ्टन में, तो छत पे बैठ के पढ़ना, मर्सिडीज गाड़ी घर से लेके जाएगी और लेके आए। और मैं पूरा साल ऐसी अल्लाह ने कुछ मेमोरी दी थी कि किताब में मैं साबिर रजा किताब पढ़ लूँ ना एक दफा तो वो याद हो जाती है। जी जी अच्छा, मुझे याद हो जाती थी तो मैं उनको हेल्प करता था, मेरे दोस्तों को। हम सब छत पे बैठते थे और 1 हफ्ते बाद हमारा इम्तिहान है, एग्जाम पर्चा है, और मैं सोता था और वो पढ़ते थे। वो जी आज भी ये कहते हैं कि यार ये सोता था, और मैं फर्स्ट डिवीजन भी लाता था। और जिस दिन इम्तिहान होता था ना सुबह, उस दिन रात को मैं सुल्तान राय की फिल्म देखता था जी सिनेमा में जाके, बशीरा मौला जट। तो ऐसी यही मेमोरी थी इस किस्म की, यानी वो थी याददाश्त। तो जो वक्त बुरोई साहब के साथ गुजरे या उधर, पढ़ाई में हर्ज नहीं होता था। खैर, इजिप्ट में तूतन खामून का मकबरा, वहां की ये मुराकबे, ठंडी ठंडी हवाएं, और फिर ख्वाब आए, वो ख्वाब आकर सुनाए बरोही साहब को, बाबा को, और फिर किताबचा लिखा गया और वो शाया करवाया था उन्होंने। उसका नाम था फिरौन के मकबरे में एक रात, अच्छा और उसमें जो तवील किस्म का ख्वाब और जो थे ना वो तमाम चीजें उसमें नोट की थी। और बाबा ने मुझे कहा कि ये तुझे आज नहीं पता चलेगा। अब चूंकि देखे ना, ये बात कब की है, ये टूटन खामून का तो मकबरा बाद में दरियाफ्त हुआ, जी ये उससे पहले वहां जो और मकबरे हैं ना, जो पिरामिड्स हैं, और ये मिर्जा वहां के तासुरात थे। हाँ और उसमें एक ख्वाब जो है वो मुख्तसरन जो था, जो बाबा ने उसको फिर शाया किया था पूरा तफसील से, वो 50 पेज का किताबचा था वो, उसकी शायद एक कॉपी मेरे पास कहीं पड़ी है। अच्छा और ये शाया हुआ था 1979 में। जी अच्छा, और उसके अंदर जो लिखा गया था कि एक सहरा में मैं चल रहा हूं और मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, मैंने मुड़कर देखा तो उसने कहा कि भाई आप इतने अरसे से कहाँ गायब थे, आपको तो महल में सब ढूंढ रहे हैं, चले। वो मुझे पकड़ के महल में ले गया, वहां पर बहुत सारे लोग जमा थे। सेंटर में एक तख्त था, नगीने वाली कुर्सियां, दो छोटी कुर्सियों पे दो बच्चे बैठे थे, बीच की कुर्सी पे एक औरत बैठी थी। वो उठ के मेरे पास आई और कहने लगी आप कहाँ चले गए थे, आइए मैं आपको कुछ दिखाऊं। वो मुझे एक कोने में ले गई, वहां वहां पर एक ताबूत पड़ा हुआ था और उसके अंदर एक कफन के नीचे कोई लाश होगी शायद। उसने वो कपड़ा हटाया तो उसके अंदर जो बंदा सो रहा था नीचे, वो मेरी शक्ल का था और उसके सीने से खून निकल रहा था। और इस औरत फिर मुझे कहती है कि यह आप हैं, आपको इसलिए सजा दी गई है कि आपने सच बोला था, और इसी की वजह से ये सबूत है कि ये खून अब तक बंद नहीं हुआ है। और भाई मैं वहां से जो भागने की करूं तो आंख खुली। अच्छा, अब
1980 के बाद हवा कहीं भी जाकर बहुत भर्ती हुआ। रात, थोड़ी देर में मिलते हैं ख्वातीनों हजरात, खुश आमदीद डॉक्टर साहब। ये 1979 तक आप चले गए, पहुंच गए, आप इजिप्ट भी गए, और इजिप्ट में आपने जो तजर्बात आपने देखे हैं बफैज़े रईस अमरोही, उन्होंने, आपने उनको बाबा कहा तो उन्होंने आपको अपना कहा, जब आपको अपना कहा तो उन्होंने आप पर तवज्जो दी, और उस तवज्जो के असरात थे जो आपके जहन के वो जो पर्दे थे वो खुलना शुरू हो गए, और जिस तरफ वो उनको लेकर जाना चाहते थे तो वो आप उसी की तरफ उनके कहने के मुताबिक अमल करते रहे और सफर तय करते रहे। तो फिर उसके बाद क्या आपका इसके बाद ये था, अस्सी एक की चीज मैं दिहाई आपको में बीच में था। बता दूं, वो जो खतूत आते थे ना वहां, उस पे लिखा होता था रईस अमरोही, रईस अकेडमी, 129A मानेकजी स्ट्रीट, कराची। जी, एक दफा एक खत पता है कैसा आया, लिफाफे पे एड्रेस नहीं था साबिर रजा, कोई गांव देहात से किसी ने लिखा था, उसने रईस अमरोही की फोटो सिर्फ चिपका दी थी जंग अखबार अच्छा से काट के वो कालम में से, अच्छा और डाकिया वो खत ले आया। अच्छा 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 आप देखें यार, कमाल है, ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं होगा यार, जी, उनकी फोटो के ऊपर, फोटो से वो डाकिया खत लेके आ गया, और पंजाब से कहीं से। बहरहाल इसके बाद एक वाकया जो था वो ये था कि एक साहब आए, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो फर्श है वो उसका है, जो टाइल नहीं होते थे, और रात को अक्सर जब हम सुबह उठते हैं तो उस पे बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं। अच्छा उन्होंने पूरी बात सुनी होगी उससे, और कहा कि अच्छा मैं भेजूंगा इसको, ये वहां रुकेगा एक रात। अच्छा अच्छा जी, मैं गया साबिर रजा। अच्छा, घर ऐसा था कि वो कोठी थी, और पाकिस्तान की कोठियां आपको पता है, अंदर जाए तो बड़ा सा दालान वो होता है, वो यानी लिविंग रूम होता है, हाँ लिविंग रूम के साथ ही किचन होता है, जी हाँ और उसी में से सीढ़ियां जो है चढ़ती हैं ऊपर, और बेडरूम वगैरह होते हैं, जी और वो कुछ राहदारी सी ऊपर होती है। जी हाँ ऊपर बेडरूम थे जिसमें वो मियाँ बीवी थे, एक बच्चे का रूम अलग था, और नीचे एक कमरा था जिसमें उनकी एक माजूर वालदा बेड पे थी, जो उठ नहीं सकती थी ना हिल सकती थी, नर्स हुआ करती थी वहां, मुस्तकिल केयरर जिसको हम यहाँ जी कहते हैं, हाँ और सारे उनके काम वो कराती थी, और शाम को वो चली जाती थी अम्मा को सुला के। अच्छा, अब मैंने उनसे कहा कि भाई अच्छा वो निशान, उन्होंने खुद जाग के भी देखा कि रात को देखें तो, जब वो जाग के देखते थे ना अपने दो चार दोस्तों को बुला के, तो निशान नहीं बनते थे, ये उस वक्त बनते थे जब वो सो जाए। अच्छा तो मैं गया तो कुछ भी नहीं हुआ पहली रात, तो मैंने आके बाबा से कहा, बाबा जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो बैठा रहा, जाग जाग के मैं दिमाग खराब हो गया। बोले कि वो असल में उन लोगों की वजह से तो वो नहीं बनेंगे निशान अगर वो जागेंगे, लेकिन अब जाके तू जाग बनेंगे, मुझे पता है, अच्छा और फिर देख, मुझे तो पता है कि क्यों बनते हैं, लेकिन तू देख ताकि मैं उन्हें बता सकूं। साबिर रजा यकीन करो, रात के कुछ 2-2.5 बजे का वक्त है, कुर्सी में बैठे हुए हूं उस राहदारी में, और नीचे नजर है, नीचे दिख रहा है, अम्मा कमरे में से उठी अच्छा और चल के किचन में गई, अच्छा और कुछ खाया पिया होगा, फिर आके सो गई। अच्छा उनके निशान थे, हाँ सुबह निशान थे बड़े बड़े, तो उनके ही होंगे। तो उनका तो पांव छोटा सा है ना यार, भाई अच्छा, पांव से 4 गुना बड़ा निशान। अब उसके अंदर कोई था जिसका निशान था वो, तो रईस अमरोही ने उन्हें कुछ बताया होगा पढ़ने के लिए, कुछ दुआ की होगी, कुछ अरसे में ही अम्मा का इंतकाल हो गया, निशान बनना बंद हो गए। बिल्कुल सही, इस किस्म के कई चीजें हुई, लोग जो आते थे वो तो साबिर रहा, आपको ये 10 साल की जिंदगी है, कितने लंबा टाइम चाहिए, मगर मुख्तसर ये शायरी, वहां एजाज रहमानी आते थे, सलीम कौसर आते थे, बड़े बड़े लोग उस एकेडमी में, बड़े बड़े लोग आए साबिर रजा, फैज अहमद फैज, मोहम्मद अली सिद्दीकी, शायद कई नाम तो मुझे मालूम भी नहीं, और उनको मैं जानता नहीं था, बराबर में ही कोठी थी, सैयद मोहम्मद तकी, क्या अच्छा फिलोसोफर थे वो, उनके घर में मेरा आना जाना कभी होता था, जब बाबा आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे वहां फलसफी, मैं तो जाके कोने में बैठता ना, बोलता भी नहीं था,
तो मुझे पता ही नहीं था क्या बोलूं, सुनता था सब कुछ। और रईस अमरोही ने मुझे कहा था ना कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना तो मुझसे सवाल ना करना, बस देखते रहना मुझे। तो मैंने कहा कि मैं कभी कभी दिल चाहता है शेर लिखूं। मैंने एक शेर लिखा था उस जमाने में, झूठ था अहदे वफा, झूठ पे जीना ही पड़ा, सच था एक जहर बला, जहर ये पीना ही पड़ा। तो रईस अमरोही ने मुझे कहा था जब तुझे शेर लिखना हो ना, जब मैं तेरे साथ ना हूं, तो तू ये सोचा करना, बैठ जाना आंखें बंद करके कि मैं तेरे अंदर हूं और फिर लिखियो। तो मैं अक्सर करता हूं, कुछ लिखा जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, अब बड़ा प्यार था उनका मेरे से, यानी बहुत बेइंतहा प्यार था। अब मुशायरा कराया और एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में उस वक्त, सैयद आशूर काजमी ने करानी थी, थर्ड पीएनसी वर्ल्ड हॉल में इंस्टीट्यूशन ऑफ जी, पीस के नाम से। तो जी हाँ उन्होंने कहा कि चल साथ चलते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा टिकट? बोले हो जाएगा। तो बस बंसारी को उन्होंने बुलाया, उनके जो दोस्त, कहा ये बच्चा जाएगा साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अंसारी साहब ने ये भी नहीं कहा क्यों जाएगा और कब। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी दोस्ती थी ना उनकी। रईस साहब ने उनको कह दिया तो हो गया। अच्छा, एक और वाकया था इसके बीच में, लंदन से पहले, सन मुझे याद नहीं है। आगा हसन आबदी, जिनका बीसीसीआई बैंक था, हाँ बैंकर जो थे। हाँ जी नहीं, आगा अली आबदी, आगा पता नहीं क्या थे वो, सैयद आगा अली आबदी, आगा हसन आबदी, आगा आगा हसन आबदी, हसन आबदी। हाँ हाँ उर्दू मरकज था उनका लंदन में। इफ्तखार आरिफ साहब होते थे ना। हाँ, इफ्तिखार आरिफ के ज्वाइन करने से पहले रईस अमरोही को बुलाया था आबदी साहब ने घर पे, कोठी में, क्लिफ्टन पे, और अच्छा मैं साथ गया था। जी। चाय वगैरह बड़ी अच्छी, बड़े प्यारे आदमी थे। उन्होंने कहा बाबा से कि आप लंदन चले जाएं और ये मरकज को चलाएं, इसको ले जाएं लड़के को, खर्चे वर्चे सब हम दे हैं। बाबा ने इनकार कर दिया मोहब्बत से, कहा ये मेरा बस का नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ऐसी शख्सियत थी साबिर रजा। तो ये तो उनकी शख्सियत के तो कई पहलू हैं। फिर इफ्तिखार आरिफ जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया उर्दू मरकज। फिर हम मुशायरे में गए तो उर्दू मरकज पे ही गए। जी इफ्तिखार आरिफ ने शानदार खाने मंगवाए, जी बड़ी मोहब्बत से पेश आए, बड़े ही खुलूस से। फिर उन्होंने वहां बुलाया आशूर काजमी को, ने हमें इन्वाइट ही किया था इनको, मैं तो साथ चला गया था ऐसे ही, बख्श लालपुरी। हाँ जी फिर वो अपने घर ले गए, एक हफ्ता उनके घर हमने मौज की। फिर अथर राज एक शायर थे, बहुत अच्छे शायर है यार, लंबा कद उनका, वाहिद शायर थे जो बच्चों के लिए लिखते थे, वरना बच्चों के लिए, और मजा भी लिखते थे हमारे शायरों ने मतलब। बच्चों के लिए कभी नहीं लिखा, हाँ तो मजा खूब भी लिखते थे। लिखते थे ना। अथर राज के घर रहे, उन्हें हाँ अथर राज क्या खाना खाया, रहे बख्श लालपुरी के घर पे। उनके जी बेटे भी थे, बड़ी खिदमत करते थे, रोज आम की पेटी चली आ रही है भाई। तो और गर्मियों का मौसम था, अगस्त का महीना था। हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट भी नजदीक था ना उनके। हाँ, एयरपोर्ट नजदीक था। तो बड़े प्यार से। और रईस अमरोही के एक दोस्त थे लंदन में, जाफरी साहब। जी तो जी उनकी नीचे जो थी वो थी ये जो अच्छा कॉर्नर शॉप थी, कॉर्नर जो न्यूज एजेंट, न्यूज एजेंट। और ऊपर 2 बेडरूम का फ्लैट था, 3 बेडरूम का। तो वो पूरा फ्लैट उन्होंने हमें दे दिया था, बज़म अंसारी, मैं और रईस अमरोही। अच्छा तो फिर मेरा काम होता था उनके कुर्ते इस्त्री करवाना, पजामे इस्त्री करना, हुक्के पान वगैरह का बंदोबस्त, ये काम था। और उनके साथ आना जाना मुशायरों में और इन प्रोग्रामों में, जहां जहां मुशायरे होते थे उस वक्त। तो उनके साथ मेरे 2 सफर हुए बाबा के साथ, इंग्लैंड के, एक इंग्लैंड का और एक शायद अमेरिका का सफर था। जी और जॉन एलिया के साथ एक ही सफर था दुबई का, जी 1990 में। उस वक्त 90 में रईस अमरोही साहब जो है उनको शहीद कर दिया गया था हाँ वैसे ही। तो यानी इस तरह का एक जो है ना, एक वक्त गुजरा मेरा उनके साथ रूहानियत का, जो मैंने उनसे सीखा। मैंने उनको जो, जैसे मैंने उनको देखा ना कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, उन्हें स्ट्रेस नहीं होता था। लोग उनके पास नफसियाती मसाइल लेके आते थे, शायरी के हवाले से तो शायर उनकी बात करेंगे, बहुत बड़े शायर थे, मगर माहिर नफसियात थे वो। मैंने नफसियात का जो इल्म रईस अमरोही के साथ रह के, उनको देख के सिर्फ जो सीखा है, सिर्फ देख के और महसूस करके और सुन के, वो मैंने यहाँ यूरोप की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सका मैं।
उनके पास नफ्सियात का एक खास इल्म था, वो इंसान की जो नफ्सियात है ना उससे वाकिफ थे, एक एक रग से आदमी का चेहरा देख के वो बताते थे, बता सकते थे कि इस आदमी के अंदर क्या है, इतनी उनकी नजर थी गहरी। वो आम आदमी नहीं थे, वो सिर्फ शायर नहीं थे, शायर तो बहुत बड़े थे, मगर इसके अलावा भी वो बहुत कुछ थे, मगर लोग उनको समझे नहीं। अगर दरअसल लोग ये समझ जाते रही साबिर रजा तो उनके लाइनें लगी होती, वहां मजार बन गए होते बड़े बड़े। डॉक्टर साहब, उसमें एक सवाल है कि आप जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपने जिक्र किया कि वहां पे जो अदबी दानश्वर या शायर अदीब वहां आया करते थे, तो वहां पे वुकला भी आया करते थे, और उसमें सियासतदान, कुछ आते थे तो सियासतदानों के हवाले से कोई ऐसा वाकया सुनाएं, कोई याद हो आपको तो। सियासतदानों के हवाले से मुझे सिर्फ वही याद है, अब्दुल वहीद कटपड़ साहब, अच्छा ये जी वो आए थे, उनसे उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। मगर उस वक्त मैं जो इतना सियासी शऊर था नहीं, मुझे तो अदबी शऊर भी कहा था साबिर रजा, मेरी तो धुन थी इन चीजों की। फिर इसीलिए बाबा ने मुझे कहा अब तू इंडिया जा, उस वक्त बड़ा नाम था रजनीश का, हाँ रजनीश, गुरु रजनीश, जिसको आजकल ऊशू कहते हैं, और ये हाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े कुछ लोग हैं जो फेसबुक पे उसके बड़े अकवाल लगाते हैं और जी बड़े उससे मुतासिर होते हैं। इनको पता नहीं है मैं 6 महीने मैंने गुजारे वहां आश्रम में, पूना में अच्छा आश्रम था इंडिया में, बॉम्बे से आगे पूना में, हाँ पूना में ऑरेंज रंग के कपड़े पहन के घूमो, और जब रजनीश अपने दरबार में आके तकरीर करने आएगा तो किसी को इजाजत नहीं थी कि खुशबू लगा के अंदर जाए, वो दमे का मरीज था तुम्बकल। अच्छा। अच्छा, और नीचे बेसमेंट में क्या क्या काम हो रहा था ये तो मैं कभी आपको बताऊंगा, तो उन्होंने कहा था जाके देख क्या ये करता क्या है, तो मैंने आके बताया बाबा ढोंग है। तो वो अच्छा, उसको उसके पास करिश्मेटिक शख्सियत थी उसकी, वो लोगों को लाखों के मजमे को होल्ड कर सकता था, हाँ नहीं वहाँ मगर वो कहता यही था कि मैं किसी मजहब का वो नहीं हूं जी और मैं मजहब से अलग चीज हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हर मजहब के हवाले वो जरूर देता था, लेकिन इस्लाम का हवाला कभी नहीं दिया। मेरी उससे आमने सामने बात भी हुई एक दफा, मैंने कहा आप इस्लाम का हवाला तो इसमें डालते नहीं है, तो तुम नहीं समझोगे। मैंने कई हिंदी के लेक्चर उसके वहां लिखे हैं बैठ के, तो मैंने काफी वक्त गुजारा। ये जितने कल्ट है ना, महर्षि महेश योगी, ये ऊशू, वो ब्रह्मा कुमारी हो, या इन सब में मैं जा चुका हूँ साबिर रजा, इसका इनसाइड आउट मैंने मालूम किया। ये मुझे बाबा ने तरगीब दी थी कि ये जी जब तक, तो हम जब तक इन सब चीजों को नहीं समझेंगे हमें रूहानियत और नफ्सियात समझ में नहीं आएगी। और फिर उन्होंने मुझे कहा था कि ये काम पैसे के लिए नहीं होता, ये जी काम सिर्फ रजा के लिए होता है, जी पैसे के लिए नहीं होता, वरना काम ही नहीं होता जी जब पैसा बीच में आ जाए। और पैसे का मुझे शौक भी नहीं रहा साबिर, जब से मैं उनसे मिला ना पैसे का शौक नहीं। मैंने जब उनको देखा यार इतनी बड़ी शख्सियत और पैसे की परवाह ही नहीं है उसको, फिक्र उसको है ही नहीं, आ रहा है कहां से, जा रहा है कहां पे, कुछ नहीं पता, इतनी अल्लाह वाली शख्सियत। तो ये शख्सियत थी, इनके अशआर देखो यार, दिल को एहसास की शिद्दत ने कहीं का ना रखा, वाह खुद मोहब्बत को मोहब्बत ने कहीं का ना रखा, वाह दिल को एहसास की शिद्दत ने कहीं का ना रखा, खुद मोहब्बत को मोहब्बत ने कहीं का ना रखा, पहले ये शिकवा के हम हद्दे अदब से ना बढ़े, वाह अब शिकायत के शरारत ने कहीं का ना रखा। वाह और एक क्या जमीन उन्होंने निकाली निकाली थी, पर्दा तो हटा दो रुखे रोशन से खुदारा, ए अंजुमन आरा, बदली में कहां तक मेरी किस्मत का सितारा, ए हाँ अंजुमन आरा, दुनिया में हसीनों की कमी थी ना कमी है, दिल में ये जमी है, पैमाने वफा तुमसे ना बांधेंगे दोबारा, ए अंजुमन आरा। ये मैं उनको सामने सामने बैठ के सुनता था, भाई आप देखे क्या मेरे नसीब देखे, ऐसे ऐसे शेर उनके, वो जो उनके मशहूर शेर जिन पे कई लोगों ने और उस जमीन में लिखा, जहां माबूद ठहराया गया हूं वहीं सूली पे लटकाया गया हूं, बड़े यानी आला किस्म की उनकी शायरी किताबें, कतात उनके। फिर जब उनके साथ में लंदन आया था तो उन्होंने कहा कि चलो, बहुत इसरार पर कुछ लोगों के, उनके नहीं कुछ लोगों के, कि जंग के दफ्तर चलते, जी
अब हम जंग के दफ्तर गए, इंतहाई मनहूस किस्म का वो ट्रिप था मेरा। वहां किसी ने उठ के रईस अमरोही को, बाबा को कुर्सी ऑफर नहीं की, अच्छा चाय पिलाना तो दूर की बात है। उन्होंने मुझे कहा कहा था पता है, मर जाइयो जंग के दफ्तर ना जाइयो। मैं आज तक नहीं गया उस दफ्तर में, और उस वो अखबार में पढ़ता भी नहीं, इतने बेमुरव्वत लोग यार। डॉक्टर साहब, उसमें आगे इस फिक्र को अगर आप दोबारा कर दीजिए, क्योंकि जब नाम आएगा ना तो वो हमें, हम पे कोई इल्जाम ना आए कि इस नाम को कर लूं दोबारा, जंग की बजाय ना आप कह दें किसी एक अखबार के दफ्तर में जिनसे वो वाबस्ता थे, नाम ना लें, है ना, तो उसी उसी स्टोरी को दोबारा सुना दीजिए, ठीक है ना। ठहरे एक मिनट, ठहरे एक मिनट, ठहरे, मैं ये हिस्सा काट दूंगा ना एक दफा, वो मैं वहां से उठाकर कटन पे। जी, तो लंदन के सफर के दौरान बाबा के साथ किसी ने बहुत इसरार किया, तो हम एक बहुत ही मारूफ बड़ा मशहूर अखबार है उसके दफ्तर गए। उस दफ्तर में गए, उन्होंने बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी यार, चाय पिलाना तो दूर की बात है, इंतहाई मनहूस किस्म का तजर्बा। बाहर आए, बाबा ने मुझे कहा मर जाइयो पर इस दफ्तर में कभी ना जाइयो। मैं आज तक उस दफ्तर में नहीं गया, और उस मारूफ अखबार को मैं पढ़ता भी नहीं, और कोई मुझे उस अखबार को पढ़ने का कहता है ना, मैं उसे कहता हूँ मुझे ना दिखा, गुस्सा आ जाएगा। हालांकि मैं गुस्से वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन प्लीज नहीं। तो आज भी मेरी लाइफ में ये होता है, मुझे तस्वुर में रहता है कि ये वो मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं उसको महसूस करता हूँ। मैंने उनको बड़ा महसूस किया 10 साल, आज भी मैं उनको महसूस करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत साबिर रजा जिसको मैं जिंदगी भर कभी भुला नहीं सका, यानी उस शख्सियत ने मुझ पर बहुत असरात छोड़े। इसके अलावा किसी शख्सियत, मैंने उनको एक और चीज, वो कभी किसी से ना मुतासिर होंगे होते थे, और ना ही उनको कभी परवाह नहीं थी, यानी उनको परवाह नहीं होती थी इस बात की कि कोई मुझसे खुश है या नाराज है। ये सारी चीजें उन्होंने मुझे धीरे धीरे, ऐसे मुझे लगा कि जैसे वो मुझे देते जा रहे हैं कुछ चीजें, और मैं लेता जा रहा हूं, और उस वक्त मुझे एहसास नहीं होता था। ये मुझे एहसास कब शुरू हुआ, जब मेरी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई, फिर बाद में मेरे अंदर से वो चीजें ऐसी निकलने लगी, और मैं कभी कभी थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचता था कि यार जैसे मैं बात कर रहा हूँ या जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही तो वो सोचते थे। तो ये 10 साल मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। शायरी मैंने नहीं सीखी होगी शायद, वो तो बस वो आ जाती जब मैं उनको सोचूं, यानी उरूज क्या होता है और वजन, ये मुझे नहीं मैंने उनसे कभी पूछा। मैं तो रूहानियत और नफ्सियात की जो दुनिया थी ना, उसमें मैं उनके साथ हूं। आप यकीन करें साहब रजा, हफ्ते में 3 दिन वो मुझे एकेडमी का कमरा दिया हुआ था, जहां मजहर साहब दिन में बैठते थे, फिर वो चले जाते थे 2-3 बजे, फिर इसके बाद मैं वहां बैठता था शाम को, और क्लिनिक लगता था बाकायदा, और लोग आते थे, वहां लाइन लगी होती थी एक के बाद दूसरा तीसरा मसाइल लेके। फिर मैं बाबा से मशवरा करता था, फिर हम उन्हें मशवरा देते थे नफ्सियाती मसाइल, कोई बीमार है कुछ, किसी को हम साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेज देते थे कि जहाँ भाई बहुत ही बाइपोलर है या कुछ ऐसे साइकोसिस के मरीज हैं, दिमाग की बीमारियां बहुत थी, कई मरीज कई चीजें, या कुछ ऐसे थे जिनको वैसे ही जनरल हेल्थ का नफ्सियात का मामला, उनको मशवरे रईस अमरोही ने बताया, दे दिया मशवरा करके, उनसे मशवरा करके, और फिर मैं खुद भी उनको बताता रहता था। तो ऐसे ऐसे ये चीजें से, यानी ये एक काम भी वहां था साथ में, जिसका जिक्र उमूमन ना सोशल मीडिया पे कभी होता है, क्योंकि ये फी सबीलिल्लाह काम था, इसमें कोई पैसे वैसे तो थे नहीं, ना शोहरत का कुछ था। बस उन्होंने, उनके पास मैं समझता हूँ हजारों लाखों की तादाद में लोग आए होंगे उस अकेडमी में, आम लोग जो है, बड़े बड़े लोग तो बहुत आए होंगे, आम लोग लाखों की तादाद में आए होंगे और फैजियाब हुए होंगे उनसे। उनके साथ जो वक्त गुजरा, वो वक्त कभी कहीं किसी और के साथ आज तक नहीं गुजर सका। उनके कतात की किताबें, अच्छा उन्होंने मुझे एक चीज दी थी जब मैं इंग्लैंड इंग्लैंड जब आए थे, तो वो अपने साथ एक कॉपी रखते थे इतनी मोटी, कोई 100 सफे की, उसमें वो अपने कलम से शेर लिखा करते थे और कतात वगैरह अपने हाथ से। तो फिर लंदन से आखिरी जो ट्रिप था लंदन का, उनकी शहीद होने से पहले आखिरी जो ट्रिप था जिसमें मैं उनके साथ था, उसके बाद फिर वो अकेले वापस गए थे अंसारी साहब के साथ, और मैं यही रह गया था। तो उस वक्त मुझे वो अपनी वो कॉपी दे गए थे, ये मैं तेरे पास छोड़े जा रहा हूँ, ये मेरी हैंड राइटिंग, मेरे हाथ की लिखाई है, इसको अपने तुझे, वो मैंने रखी है आज तक संभाल के। तो
यानी कि ये वो हम गुजरे हैं, कलमी, और हजारों वाकयात हैं, आप कुछ पूछें तो मैं बताऊं। नहीं वो कलमी नुस्खा जो है जो आपके पास मौजूद है, हाँ वो काफी चीजें तो उसमें छप भी चुकी होंगी है ना, और कुछ नहीं छपी होंगी। पता नहीं मुझे क्या छपा है क्या नहीं छपा है, लेकिन उनकी जो अपनी किताबें हैं शायरी की वो सारी मेरे पास हैं, और जितने कतात उन्होंने लिखे ना टोटल जी वो जी 4 जिल्दें मेरे पास हैं। और फिर 93 में जब हमने कारवाने अदब और हमने रईस हाँ अकाडमी जश्न रईस का, अमरोही किया था। अरे जश्न रईस अमरोही भी हमने 93 में भी किया, और 88 में भी किया, 2000 में भी किया, और रईस अकेडमी का क्याम भी आप 93 में ले आए थे यहाँ पे। हाँ रईस अकेडमी यहाँ कायम हुई थी बाकायदा, नसीम दहलवी साहब जो थे हाँ वो वो उसके कहते सदर थे, और हैं उस मुशायरों में आते थे हमारे अमरोही अमरोहा के डॉक्टर मोहम्मद आजम अमरोही, अमरोही, हाँ हेलीफैक्स वो वाले, हम हालिफैक्स थे। हाँ जी और वाकई वो अमरोहा के हैं। हाँ। तो अच्छा उनके कोई अनुसार ऐसा कहें उनकी कि शायरी में है ही अमरोहा। रूहानियत के हवाले से एक बंदा है जो दुनिया में सिर्फ मोहब्बत बांटता है, लोगों का इलाज करता है, और ना उनको कोई तलब है पैसे की, ना उनको तलब है शोहरत की, ना उनको तलब है किसी भी चीज की, तो उनके जाती उनके घरेलू हालात कैसे थे, यानी कि उनके जो बीवी बच्चों के हालात कैसे थे। अच्छे थे भाई, जो शाहना थी उनकी बेटी वो लंदन में रही काफी अरसा, उनके शौहर की पोस्टिंग थी लंदन में, शायद पीआईए में थे वो, जी जी फिर उसके बाद वो वापस आई तो फिर बाबा के साथ, क्योंकि फिर बाबा के बेटा नहीं था ना, जी जी तो जी फिर वो दो देखभाल भी करना है, अम्मा भी बूढ़ी थी जी तो उस हवाले से, और जो नरजिस कोठी का नाम था वो रईस अमरोही साहब जो थे, बाबा उनकी वालदा के नाम पे था वो जी नरजिस थी, और ये जो जॉन एलिया के अंदर जो ये आती है ना ये कैफियत सी, ये जिन्ना एक जिन है, ये जिन उस हाँ जिन का नाम है मजलूमीन, अच्छा शाहना एलिया जो है शाहना रईस ने बताया, बोले कि हमारी अम्मा पे जिन आया करता था, अच्छा और ये वो जिन है जो अब जॉन पे आता है, अच्छा 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 इसका नाम था मजलूमीन मुजलमीन समथिंग है कुछ आए तो। अच्छा तो अच्छा मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मेरे साथ ये आपको जो नजर आता है ये क्या है, तो उन्होंने मुझे एक नाम बताया था कि ये है तेरे साथ। अल्लाह हाफिज। करीम भाई, जी तो जैसे कि आप बता रहे थे कि आप बाबा जी के साथ इंग्लिस्तान का दौरा किया आपने, कनाडा का, बिल्कुल अमेरिका का दौरा किया, तो अब यह है कि रईस अमरोही साहब के साथ, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी बात की है कि उनका तो यही होता था कि वो डेली कॉलम लिखते हैं या कथा लिखते हैं, और उसके अलावा उनकी जो दूसरी खिदमात हैं, जैसे उनके खिलाफ बेशुमार शख्सियात उनके पास तशरीफ लाती थी, शायद हमदर्द वाले हकीम साहब भी, और बेशुमार शख्सियात जो उनके पास आती थी, तो आज हम उनको अगर ये करें कि वो एक एक ऐसी शख्सियत थे कि वो हर फन मौला थे, यानी कि हर फन में वो मौजूद थे और अपना एक अलग इनफरादियत रखते थे कि, और उनमें अखलाक और इखलास भरा हुआ था जिसकी वजह से लोग उनके पास आते थे और फैजयाब भी होते थे और उनसे मुशावरत भी करते थे, तो आप इनके हवाले से थोड़ा सा, ताकि उनका एक पहलू जो है, जो मेरे ख्याल में उनका खास पहलू है, उसके मतलब अगर आप बताएं। असल में क्या है, ये रईस अमरोही बाबा ये इनकलाबी शख्सियत थे, अच्छा यानी इन्होंने कलम से जहाद किया था, एक ऐसा शख्स ऐसा सहाफी ऐसा मुफक्किर जी कि जो सच लिखता था, जी 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 यानी उसके सच की इंतहा ये थी कि मुझे ठीक से ये तो याद नहीं है कि क्या मौका था या क्या महल था या क्या वजह थी, क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी, जी लेकिन शायद उन्हें उन्होंने जब 1965 की जंग हुई थी जी जी तो टेलीफोन पर रेडियो पाकिस्तान कराची से फोन आता था कि अच्छा तराना चाहिए, जंगी नगमा चाहिए, और वो फोन पर उसी वक्त बैठे बैठे लिखवाते थे, उसी वक्त अच्छा 1965 की बात में बता रहा हूं, जो ये उनका
यानी उनके कई, उन्होंने 1965 की जंग के जो तराने हैं, बहुत तराने उन्होंने लिखे हैं, खित्ताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, कई तराने लिखे हैं। अच्छा, बाद में कुछ लोगों ने उनको गाया तरानों को, तो लोगों को मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने कुछ अवार्ड दिए थे, जी लेकिन हाँ दिए थे। जी उसमें रईस अमरोही का नाम शामिल नहीं रहा उस जमाने में। जी जी देखिए, ये मैं अपनी जितनी याददाश्त है, अगर सुनने वाले इसकी तस्दीक करें या कहीं और हो तो कर सकते हैं। जी जी तो उसके कई सालों के बाद शायद कोई और नई हुकूमत आई पाकिस्तान में, और उनको ख्याल आया कि रईस अमरोही को अवार्ड देना चाहिए। अच्छा, उनको अवार्ड की जरूरत नहीं थी, वो इनाम से, अवार्ड से बहुत ऊपर की चीज थे वो, जी 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 यानी वो उन चीजों में थे ही नहीं, जी उनको ये जी था ही नहीं यार। उनको तो आप मुशायरों में पहले भी पढ़वा लो ना, या कहीं भी बिठा दो, ही वॉज वेरी वेरी डिफरेंट मैन। जी जी तो जब उनको जाना पड़ा लेने के लिए, और अवार्ड शायद जाना पड़ा होगा, तो एक कथा उन्हीं का है जहां तक मुझे याद जी जी है। किसी मरदूद के दौलत कदे पर, किसी हाँ मरदूद के दौलत कदे पर अकीदत पेश करने जा रहा हूं, वाह मुझे टोके ना अहले मलामत, गधा हूं घास चरने जा रहा हूं। अब यार मुझे ये पता नहीं है कि ये किसका है, क्या है, ये बाबा का ही है, मैं बहुत छोटा था भाई उस वक्त, जी यानी मगर ये या तो कहीं मुझे सोशल मीडिया पे या किताबों में भी नजर नहीं आया, शायद ये जी मैंने जी उनसे सुना था ये चीजें। जॉन एलिया होते थे वहां, सैयद जी मोहम्मद तकी के यहाँ महफिलें लगती थी, जब रूह के ऊपर जी बड़ी बहसें होती थी, हर हफ्ते बड़े बड़े मुफक्किर जमा होकर रूह के ऊपर, और सैयद मोहम्मद तकी ने क्या खूबसूरत मकाले लिखे थे। अगर आप पढ़ें तो आप बोले कि यार इस शख्स के पास कितना इल्म था। और जी रईस जी अमरोही वहां साथ होते थे, मेरा काम होता था, आपको पता है, बाबा की खिदमत, जी जी इससे मैं उनमें हिस्सा नहीं लेता था, मुझे आता ही कुछ नहीं था यार, जी तो बस सुनता रहता था। तो एक तो ये थी, तो उनके पास बहुत से लोग आते थे। अब जाहिर है, जो शख्स अगर सच होता है ना, जी तो उसके दुश्मन भी होते हैं, उसकी जी जी मुखालफत होती है। झूठ की मुखालफत नहीं होती साबिर रजा, झूठ जी 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 को नापसंद किया जाता है, मुखालफत नहीं होती। आप एक गली में से गुजरे, बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, आप उनको देखें, मुस्कुराएं और चलने लगे, वो आपको सलाम ठोकेंगे, क्या जी हाल है अंकल, कैसे हो। लेकिन अगर आप उन बच्चों को ये कह दें कि देखो जी, ये बॉल से आप यहाँ खेल रहे हो, किसी की खिड़की का शीशा टूट जाएगा, तो पहला जवाब होगा नन ऑफ योर बिजनेस है, और गाली भी दे सकता है, बच्चे डांट जी हाँ बच्चे तो दे भी और सकते भाग हैं। गाली तो देकर सच भाग जाएंगे। हाँ है, आपने गाली सच बोल दिया, देकर भाग जाएंगे कौन कौन। आपने सच बोल, तो जब सच बोला जाता है ना, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। झूठ बोलने से प्रॉब्लम नहीं होती शुरू, जी सच बोलेंगे तो होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जो थे उनके जिंदगी के, उनको सादिक और अमीन कहा गया। जी हाँ नहीं हमेशा लोग ही कहा गया। अपनी अमानतें उनके पास रखते थे। जी जी जब उन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह एक है, हाँ तो सच का जो पत्थर तालाब में गिरा हाँ अरब के सरों पर, कितनी मुखालफत शुरू हो गई, जी हाँ वही ना। अपने तो घर ये वाले अपने घर वालों में तो रिश्तेदारों में। हाँ ये जो हकीकत में एक सच्चा सहाफी, जब ऐसा होगा तो इसके कुछ दुश्मन भी होंगे। जी हाँ वो दुश्मन ऐसे भी होंगे जो वहां आते रहे भी होंगे, और मैं, मुझे तो समझ नहीं आती किसी की, जब उनको ही ये। और बात है कि रईस अमरोही को ये मालूम, रईस अमरोही की एकेडमी में जो आदमी पहली बार भी आता था या जी 10वीं बार भी आता, उसको एक नजर देखकर आधी मिनट उससे बात करके बाबा को पता होता था कि ये चाहता क्या है। इतनी वो नफसियात दान थे, वो इतने जबरदस्त, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनको देख देख के, उनको उनकी आंखों की एक चमक होती थी हर शख्सियत के हवाले से। अच्छा तो आप अंदाजा लगा लेते थे कि आप। मुझे, मैं देखता रहता था, सोचता रहता था। तो उनका जो था, तो अब उन्हीं में से, अब चूंकि आखिरी जो सफर था इंग्लैंड का उनका, मुशायरा जो हुआ था जी आशूर, सैयद आशूर काजमी साहब ने जो कराया था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं आया,
बख्श लाहलपुरी हयात थे, अथर्राज हयात थे और हुसैन साहब थे, लंदन में उनकी दुकान थी, उनके ऊपर के फ्लैट में हम ठहरे हुए थे, बज़म अंसारी हमारे साथ थे। जी जी फिर यहाँ इफ्तिखार आरिफ ने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की हमारी, बड़ी इज्जत दी उन्होंने। और यहाँ तक कि जब मैं बहुत सालों के बाद अभी कोई 10 साल पहले या उस वक्त गया जब मुक्तदरा जबान में इफ्तिखार आरिफ थे, जी तो मैं हाँ उनसे मिलने गया इस्लामाबाद, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं रईस अमरोही के साथ लंदन में उनके पास गया था। उन्होंने मुझे इज्जत से बिठाया, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इफ्तिखार आरिफ ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी तो खैर, तो अब वहां पर जब हम गए ना, तो इसके बाद मैंने उनसे कहा, बाबा मेरा मामला ये है कि अब मैं यहाँ इंग्लैंड में रहना चाहता हूँ, मुझे अब वापस शायद मैं आपके साथ ना जा सकूं। तो उन्होंने फिर उस वक्त फोन किया उसको, गुलाम मोहम्मद दादा भाई, सीमेंट फैक्ट्री वाले कराची में, जी 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 उनका उनसे बड़ा याराना था, जी रईस अमरोही का, बड़ी मोहब्बत थी उनकी। तो उनसे बातचीत की, उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए कुछ सेटलमेंट किया कि मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊं वहां से, कराची से। उनके असर व रसूख होंगे, बड़े लोग थे, और इस तरह से मैं इंग्लैंड में सेटल हो गया और बाबा बज़म अंसारी के साथ वापस पाकिस्तान चले गए। और उसके कुछ सालों के बाद ही मुझे ये खबर मिली, बड़ी सी सुर्खी लगी हुई थी वहां, मैं लंदन में ग्रीन स्ट्रीट पर रहता था, इल्फर्ड के इलाके में, लंदन ईस्ट में, तो ग्रीन स्ट्रीट पर आना जाना था, वहां अखबार होते थे दुकान में, तो पहली खबर सुर्खी लगी हुई थी कि किसी ने शहीद कर दिया। और जाहिर है मुझे इतना दुख हुआ, मैं कई दिन तक जो है वो उसमें रहा, एक तरह के उसमें कि ये कैसे हो गया। मगर ये काम जाहिर है किसी ऐसे शख्स ने ही किया जिसका वहां पर आना जाना था, उसे पता था कि बाबा की जो एकेडमी में वो लंबा सा कमरा है उसमें वो अपनी टेबल पे कब अकेले होते हैं ज्यादा, कौन कब नहीं होता, वो उनका रुख किस तरफ होता है। हालांकि कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि उनके जो ऊपर जो पंखा लगा है हो तो वो गया। बाबा कुर्सी पे चढ़ के उनकी अलमारी से कुछ ले रहे होंगे। वो ऐसे था जैसे मैं बैठा हूं ना, तो ये ऐसे वो जैसे बैठे होते थे, और उनके सीधे हाथ पे दीवार थी और खिड़की थी, उल्टे ये टेबल था, उल्टे हाथ पे उनके वो थी एक अलमारी जिसमें किताबें और उनका सामान था, और अलमारी के ऊपर भी कुछ चीजें होती थी, और छत पे ऊपर पंखा होता। जी। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ उतार रहे होंगे ऊपर से, तो कुर्सी पे चढ़े तो पंखे से उनका सर लग गया, ये नामुमकिन है साबिर रसा, इसलिए कि वो छत बहुत ऊंची थी पहली बात, और बाबा कभी भी कुर्सी पे चढ़ के नहीं उतारते थे चीजें, इसलिए कि ऊपर के खाने में, यानी उनका हाथ, उनका कद अच्छा था, जो अलमारी थी उसको जब आप खोलें तो उनका कद इतना था कि सबसे ऊपर वाली शेल्फ में वो देख सकते थे कि क्या है, तो फिर उन्हें कुर्सी पे चढ़ने की क्या जरूरत है भाई। खैर, ये और तो एक करीम भाई, ये कभी ऐसा भी हुआ कि, आखिरी सवाल है मेरा, कि कुछ लोग आए और बाबा जरा खामोश रहे और हाँ फिर आप, उन्होंने आपकी तरफ देखा हाँ हुआ, और आप, आपको वो क्योंकि ऑर्डर था कि आपने सवाल नहीं करना है, तो आप उनकी तरफ देख रहे हों और बाबा कुछ खौफ सरदा या कुछ ऐसी चीज। सब मुझे तो लगता है कि सबको पता है कि कौन था, लेकिन कहते नहीं है ना लोग। अब मैं तो वहां था नहीं, लेकिन जॉन एलिया का भी तो एक वाकया है, जी हाँ, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर सकते यहाँ पे, हम नहीं कर रहे बयान, क्योंकि आप लेकिन दोनों हजरात मौजूद नहीं हैं। हाँ वो वाकया तो कई लोगों ने बताया है, तो खैर। हाँ मगर यह है कि एक ऐसी शख्सियत जो कि वाकई बहुत सच्ची थी, और उसने हमेशा गरीबों की खिदमत की, गरीबों के लिए घर बसवाए, कई काम किए उसने, जी जी और मैं समझता हूं कि उस शख्सियत का जो है सहाफत पे और उर्दू अदब पे बड़ा एहसान है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस रमजानुल मुबारक के सदके में, और आज तो लैलतुल कदर की रात है, अभी जी हमने इबादतें करनी है, जी तो उसके सदके में अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस पे आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। ख्वातीन हजरात, फिर कभी मौका मिला तो रईस अमरोही के साथ उनके हवाले से फिर गुफ्तगू होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह।